पूरे वर्ल्ड में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी 64% थर्मल पावर प्लांट अकेला जनरेट करता है, और इस प्लांट की जो बैकबोन है उसका नाम है स्टीम टरबाइन। थर्मल पावर प्लांट ही नहीं, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट में भी स्टीम टरबाइन का ही यूज होता है। हाइड्रो प्लांट में भी टरबाइन यूज होता है, लेकिन वह कुछ अलग टाइप का होता है। एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, इन सब की बैकबोन एक टरबाइन ही होता है। थर्मल प्लांट की स्टीम टरबाइन की डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है। बीच में स्टीम आती है, वह दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। टरबाइन की ब्लेड का शेप कुछ इस टाइप का होता है। यह ब्लेड एयर फॉइल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। जब ब्लेड से स्टीम फ्लो करती है तो ब्लेड के एक साइड में हाई प्रेशर और दूसरी साइड में लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ब्लेड को लिफ्ट फोर्स मिलता है, और यह लिफ्ट फोर्स टरबाइन को रोटेट करवाता है। जो स्टीम बॉयलर से टरबाइन के पास आती है उसका टेम्परेचर 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब यह स्टीम टरबाइन की ब्लेड से टकराती है तो अपनी एनर्जी टरबाइन में ट्रांसफर कर देती है। स्टीम एक फ्लूइड है, और यहाँ पर स्टीम की फ्लूइड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब स्टीम बॉयलर से टरबाइन के पास आती है तो इसके पास बहुत हाई स्पीड होती है, हाई टेम्परेचर भी होता है और बहुत सारा प्रेशर भी। जब स्टीम टरबाइन ब्लेड से होकर निकलती है तो स्पीड, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों ही रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टीम की एनर्जी टरबाइन में ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए इन ब्लेड के आगे स्टेटर ब्लेड होती है जो फिक्स होती है, यह रोटेट नहीं करती है। इन ब्लेड का काम होता है स्टीम को गाइड करना, और साथ में ही स्टीम की स्पीड जो कम हुई है उसको वापस बढ़ाना, ताकि आगे के जो रोटर ब्लेड हैं उसको स्टीम स्पीड में मिल सके, जिससे वह रोटेट कर सके अच्छे से। यहाँ पर हर रोटर और स्टेटर ब्लेड स्टीम से एनर्जी निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड को तो स्टेटर ब्लेड इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे स्टीम आगे बढ़ेगी वैसे वैसे। इस तरीके से स्टेटर और रोटर का सेट एक के आगे एक लगे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ब्लेड की साइज इंक्रीज होती जाएगी। यदि फर्स्ट एंड लास्ट ब्लेड की साइज देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स प्रपोजन में होता है, जिसकी वजह से प्रेशर जैसे जैसे रिड्यूस होता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर टर्बाइन के इस साइड में तैयार किया जाता है, क्योंकि जब एक साइड का टर्बाइन रोटेट करेगा तो यह एक साइड में फोर्स लगाएगा, जिससे टर्बाइन अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए सेम ही ऐसा सेटअप दूसरी साइड में तैयार किया जाता है ताकि यह स्टेबल रह सके। यह जो हमने टरबाइन देखा है यह लो प्रेशर टरबाइन है। अब इसको लो प्रेशर क्यों बोलते हैं इसको समझ लेते हैं। जब स्टीम बॉयलर से निकलती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग 550 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस स्टीम को हाई प्रेशर टरबाइन के पास में भेजा जाता है। यह टरबाइन साइज में छोटे होते हैं, लेकिन इनको रोटेट करने के लिए हाई प्रेशर स्टीम चाहिए होती है। इनका काम करने का तरीका सेम वही है जो अपन ने अभी बात की थी। जब इस टरबाइन से स्टीम निकलती है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो इस स्टीम को वापस बॉयलर के पास में भेजा जाता है। अब बॉयलर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो बॉयलर स्टीम के टेम्परेचर को वापस इंक्रीज कर देता है, जिसको हम रीहीटिंग बोलते हैं। अब इस हीटेड स्टीम को इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन के पास में भेजा जाता है। इसका काम करने का तरीका भी सेम वही है जो हमने अभी बात किया था। अभी जब इस टरबाइन से स्टीम बाहर निकलती है तो इसका टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड सब कुछ डिक्रीज हो जाता है, और अब इस स्टीम को हम वापस बॉयलर के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि यदि बॉयलर के पास भेजा तो बॉयलर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए स्टीम को लो प्रेशर टरबाइन के पास में भेजा जाता है, जिसको अपन ने अभी देखा था। जैसे जैसे स्टीम का प्रेशर कम होता जाएगा वैसे वैसे टरबाइन की साइज बड़ी होती जाएगी। इसलिए लो प्रेशर टरबाइन साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और हाई प्रेशर टरबाइन साइज में बहुत छोटे होते हैं। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ही होते हैं। यह सभी के सभी टरबाइन एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं। और इनकी शाफ्ट को जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है। यदि आपको पता हो तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। यदि आप कभी पावर प्लांट में गए हो, और यदि पावर प्लांट में नहीं जाना हुआ तो पावर हाउस में गए हो, तो वहाँ पर बहुत सारे पैनल लगे रहते हैं, और उन पैनल में एक मीटर होता है जो एवरी सेकेंड फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। उनमें फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन बहुत कम होता है। यदि हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो 49.9 या 50.1 बस इतना सा फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हो सकती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, n = 120 f/p।
पी होते हैं नंबर ऑफ पोल, एफ होती है फ्रीक्वेंसी, एन होती है जो जनरेटर होता है उसकी स्पीड। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रपोर्शन में होती है। यदि स्पीड डिक्रीज हुई तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जनरेटर तो डायरेक्ट टर्बाइन से जुड़ा रहता है और यहाँ पर स्टीम का प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है तो फ्रीक्वेंसी पर सीधा फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए स्टीम जब टर्बाइन में एंटर होती है तो उसके पहले गवर्निंग वाल लगा रहता है जो स्टीम के प्रेशर को टर्बाइन पर मेंटेन रखता है। यह ऑटोमेटिक गवर्निंग वाल होते हैं जो टर्बाइन को कॉन्स्टेंट स्पीड में स्टीम का प्रेशर देते हैं। इस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए इंडिया में टर्बाइन 3000 आरपीएम की स्पीड में रोटेट करते हैं और टर्बाइन से जुड़ा जनरेटर भी इसी स्पीड पर रोटेट करता है। और यह जो टर्बाइन्स है ये इतने पावरफुल होते हैं कि 2 से 3 साल तक रेगुलर चल सकते हैं और इनकी लाइफ भी बहुत ही लॉन्ग होती है। आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो टर्बाइन है उनकी लाइफ 50 इयर्स तक हो सकती है और इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। स्टीम टर्बाइन की एफिशिएंसी 65% से लेकर 90% तक हो सकती है, इसलिए इनका वाइडली यूज होता है। स्टीम टर्बाइन को हाई क्वालिटी की स्टीम चाहिए होती है, जिसका मतलब है कि पानी में इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पानी की इम्प्योरिटीज टर्बाइन की ब्लेड्स पर फ्रिक्शन बढ़ा देगी जिससे टर्बाइन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। इन सभी टर्बाइन को पैक कर दिया जाता है ताकि स्टीम लीक ना हो जाए। इतने हाई प्रेशर वाली स्टीम यदि लीक हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि तबाही किस लेवल की होगी। थर्मल पावर प्लांट और इसके अलावा जितने भी पावर प्लांट है फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं और इन ऑटोमेशन में बहुत बड़ा हाथ है एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का। और बेसिकली कंट्रोल सिस्टम के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करता है। आपको पता ही होगा आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे इंसानों की जॉब कम कर रही है, पर अच्छी बात यह है कि हम अपना फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना सकते हैं। एक बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। इस बुक की ऑडियो समरी को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हो और पता कर सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्यूचर कैसा होगा ताकि हम अपने आप को बदल पाएं। कुकू एफएम बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी ही ऑडियो बुक समरी हिंदी इंग्लिश के अलावा आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी मिल जाएगी। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो अवेलेबल है। इसके अलावा कूपन कोड LDA50 यूज करने पर फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स को 50% डिस्काउंट मिलने के बाद 1 साल की कॉस्ट 199 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से क्वालिटी के सामने तो यह कुछ भी नहीं है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से कुकू एफएम ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिए। वापस थोड़ा टॉपिक की बात कर लेते हैं। जब स्टीम टर्बाइन से बाहर निकलती है तब इसका क्या होता है, इसका प्रोसीजर को आप इस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हो। क्योंकि जब स्टीम टर्बाइन से बाहर निकलती है तब भी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है हमारे लिए, तो वह तो टर्बाइन के हिसाब से उसका टेम्परेचर कम होता है और इसके टेम्परेचर की स्टीम को हम एनवायरमेंट में नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से स्टीम टर्बाइन की वर्किंग आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब ऐसे बेहतरीन वीडियो देखने के बाद में आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। थैंक यू।